नमस्कार, मैं हूं सुहास सुहान। आप देख रहे हैं चैनल डी। कैमरामैन शिवा के साथ इस समय मैं मौजूद हूं एलनाबाद शहर के वार्ड नंबर 15 में, जिसके जो वार्ड पार्षद है रमेश कुमार, वो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और इंडियन नेशनल लोकदल में चले गए थे। आज उनकी यहाँ पर घर वापसी हो रही है और उनको घर वापसी करवाने के लिए गोविंद कांडा के जो सुपुत्र है धवल कांडा और हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री और इसराना के विधायक कृष्णलाल पंवार यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर उनको लड्डुओं से तोला भी जा रहा है और अभी ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। दोनों जो अतिथि हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ सैकड़ों लोग भी जमा हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि क्यों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा था और ऐसा क्या हुआ कि चंद महीनों के अंदर ही उनको वापस भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ गया, ये हम सब जानना की कोशिश करेंगे। और धवलकांडा से भी जानेंगे कि कैसा माहौल है और इसराना के जो विधायक है कृष्णलाल पंवार, उनसे भी जानेंगे कि पिछले दिनों से वो इलाहाबाद हल्के में घूम रहे हैं, किस प्रकार का माहौल वो देख रहे हैं। तो आइए चलते हैं। आज हम आपके बीच में एक ऐसे व्यक्ति के लिए वोट मांगने आए हैं जो एक समाज सेवी है, जो हर एक समाज की बात करती है, क्योंकि गोविंद कांडा जी, गोपाल कांडा जी बोलते हैं कि ना हम 36 बिरादरी की राजनीति करते, ना हम करेंगे, हम सिर्फ 37वीं बिरादरी की राजनीति करते हैं, जिसे कहते हैं इंसानियत की राजनीति। गोविंद कांडा जी जो आपके हरियाणा के एलनाबाद क्षेत्र से बीजेपी जेजेपी हरियाणा लोकहित पार्टी के त्रिवेणी के सांझे उम्मीदवार, तो हमने 30 तारीख को 2 नंबर वाला बटन कमल के फूल को इतना दबाना है कि एक एक वोट आपका गोविंद कांडा जी की झोली में जाने का काम करे और बाकी सारी पार्टियों की टी 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 निकल जाए। जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हुए अपने सैकड़ों साथियों समेत भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, तो वो प्रदेश का अध्यक्ष एससी मोर्चा होने के नाते इनको विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में आज ज्वाइन करता हूं। साथियों, हम सब गोविंद कांडा के वोट को अपील करने के लिए आए हैं। और साथियों, जो पार्टी जो नेता हमारे अनुसूचित जाति समाज को कुछ सम्मान दे, हमें उसका साथ देना चाहिए। जसवीर जी थोड़ा सा दियो, थोड़ा स्पेस। श्री रमेश जी का पटका बना करके पार्टी में विधिवत उनका शामिल होने के लिए उनको आशीर्वाद दें और आप भी उनको तालियों से उनका स्वागत करें। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है गोविंद कांडा जी के सुपुत्र धवल कांडा जी और हरियाणा के पूर्व परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार जी। आइए उनसे जानते हैं कि जिस प्रकार से विधानसभा क्षेत्र में वो घूम रहे हैं, किस प्रकार से उनको रिस्पांस मिल रहा है, क्या जो है जनता का मूड है। जी धवल जी, आप विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, जी गाँव में जा रहे हैं, शहर में भी जा रहे हैं, जी क्या माहौल? माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि एलनाबाद की जनता अब बदलाव चाहती है कि 17 साल से ये जो एलनाबाद क्षेत्र है, एलनाबाद की जो ये विधानसभा सीट है वो विपक्ष में रही है, तो वो बदलाव चाहकर अब की बार किसी और की पार्टी को ना विश्वास कर बल्कि सरकार के साथ जाने का उन्होंने निर्णय और उन्होंने फैसला रखा हुआ है। आप क्या कौन सा उनको मंत्र देते हैं कि वो लोग आपके साथ हो रहे हैं? जैसे आज ये जो बीजेपी के पार्षद थे वो इनेलो में चले गए थे और इनेलो से फिर से वापस आ रहे हैं, कोई दमबल का प्रयोग तो नहीं कर रहे? नहीं, देखो हम सिर्फ प्यार की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं। जैसे कि हमारे बीजेपी का नारा भी है कि सबका साथ सबका विकास, सबके विकास की बात करते हैं और सबके सम्मान की बात करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष के जो उम्मीदवार है वो कह रहे हैं कि जो कुछ कैंडिडेट हैं वो पैसे फेंकेंगे आपके सामने, उन्होंने जैसे भी कमाए हैं, और पैसे ले लेना लेकिन वोट नहीं देना। देखो जहाँ पर परिवार की बात आती है तो उन्हें आप पैसों से तोल नहीं सकते, ना पैसों से खरीद सकते, क्योंकि जो परिवार है, परिवार में सबसे बड़ी चीज़ प्यार और एकता होती है, उसको पैसों से कभी तोला नहीं जा सकता। तो आपको लगता है कि इस बार कमल खेल रहा है? अब की बार कमल ऐसा खेलेगा
कि अगर ये खिला तो ये यहाँ से हिलेगा नहीं। तो मंत्री जी आप भी जो है इनके साथ ही घूम रहे हैं, अभी परसों अपनी बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि अभी अभी मैं आया हूँ, अब आपको 2-3 दिन हो गए हैं एरिया में। मैं 12 तारीख से लगातार एल्ला विधानसभा के अंदर जा रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी SC मोर्चा का प्रदेश होने के नाते विशेष तौर से मैं दलित समाज के लोगों के अंदर जा रहा हूँ और गया हूँ। 40,000 वोट हमारे दलित समाज की, मैं ये कह सकता हूँ ये सब गोविंद कांडा के पक्ष में पड़ेंगी और सामने वाले कैंडिडेट की SC समाज में जमानत भी नहीं बचेगी, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। और रही जहाँ तक बात, BJP ने नारा दिया है जोर जुलम की टक्कर में विकास हमारा नारा है। लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्या समस्या क्या आती है? लोगों की विकास लोग चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। और 2005 के बाद 19-20 साल हो चुके हैं, एलनाबाद विधानसभा विकास की दृष्टि से पिछड़ रहा है। अब लोगों के मन में ही आया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, 3 साल हम सरकार में शरीक हो, सरकार का विधायक ही इलाके के लिए कोई पैकेज लेकर आ सकता है, इसलिए गोविंद कांडा विधायक बनेगा और निश्चित तौर पर 36 बरादरी के विकास होंगे, एलनाबाद का विकास होगा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जनता धीरे धीरे समझ रही है कि सरकार के साथ रहने से फायदा है? धीरे धीरे नहीं, पूरी स्पीड के साथ समझ रही है। अब 12 तारीख से लेके अब तक कोई धीरे धीरे नहीं, पूरी स्पीड के साथ लोगों ने मन बनाया है, निश्चित तौर से गोविंद कांडा ही विधायक बनेगा, 36 बरादरी का आशीर्वाद इनके साथ। भारतीय जनता पार्टी में थे और उसके बाद में आपको कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि आपको पार्टी छोड़नी पड़ गई और आज आप फिर से वापसी कर रहे हैं, तो ऐसा क्या था, क्यों आपको पार्टी छोड़नी पड़ गई और ऐसा इतने दिनों में ऐसा क्या चेंज हो गया कि आपको फिर से वापस आना पड़ा? भी 3 साल पर रहे सरकार की, अभी तो विपक्ष में तो हमेशा रहे हैं, हम ये चाहते हैं सरकार के अंदर रहें, सरकार के अंदर रहेंगे तो जनता का विकास होगा, एलनाबाद का विकास होगा, विकास जब ही होगा जिस सरकार के साथ चलेंगे, हम हमेशा ही विपक्ष में रहे हैं। अब ये चाहते हैं भाई गोपाल कांडा जी अच्छे वोटों से जीते, गोविंद कांडा जी। लेकिन 3 महीने पहले भी तो आपको ये दिख रहा था कि जब आपने पार्टी छोड़ी थी उस टाइम भी तो सरकार BJP की थी, अब ना सरकार बदली है, ना कोई लोग बदले हैं, ना मंत्री बदले हैं, ना परिस्थितियां बदली है, सब कुछ वही है। तो ऐसा 2-3 महीने के अंदर आप इन लोगों से वापस किनारा करके आ रहे हैं, तो क्या आपको वहाँ पे जो आपने सोचा था वो मान सम्मान की बात थी या कुछ और था, वो मिला कि नहीं मिला? घर में बच्चे होते हैं, उनको भी मान सम्मान नहीं मिलता तो वो भी निराश हो जाते हैं। हमने ये सोचा भी हम जाएंगे तो हमारा मान सम्मान अच्छी तरह होगा, लेकिन जहाँ मान सम्मान नहीं वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इतना बड़ा परिवार है, इस परिवार के अंदर छोटे से छोटे वर्कर की, बड़े से बड़े वर्कर की अच्छी तरह सुनी जाती है। तो आपको लगता है कि अब आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा? सोचा तो यही है, सोचा नहीं, पूरा विश्वास है, लेकिन मान सम्मान मेरे को पहले ही मिला था, लेकिन किस कारणवश मैं भटक गया था उसके कारण, किसी के बकाए में मान लो या किसी तरह भी मान लो, लेकिन मैं वापिस अपने घर वापिस आ गया हूँ। अब तो नहीं छोड़ेंगे? अब तो जीऊँगा जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 15 एलनाबाद के नगर पार्षद रमेश कुमार जी, जिन्होंने कुछ परिस्थितियों के चलते पिछले दिनों इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन कर लिया था और आज फिर से वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। परिवहन मंत्री, पूर्व परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार और गोविंद कांडा के जो पुत्र है धवल कांडा, उन्होंने इनको वापसी, घर वापसी करवाई है। इनका कहना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो मान सम्मान इनको मिला है वो किसी और पार्टी में इनको नहीं मिला है, तभी उनको घर वापसी करनी पड़ी है। और धवल कांडा भी और कृष्ण लाल पंवार भी इस बार एलनाबाद में कमल खिलाने के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन ये सब तब पता लगेगा जब 2 तारीख को EVM मशीनें खुलेगी और उसका रिजल्ट सामने आएगा। तब तक आप देखते रहिए चैनल D। धन्यवाद।